हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी जो बच्चों को तेल लगाते हैं, सरसों का तेल या फिर कोई भी ऑयल जिससे आप मालिश करते हो, उसको हम घर पे कैसे बनाएं जो बच्चों के लिए एकदम अच्छा हो, जिसमें कोई भी केमिकल ना मिक्स हो। फर्स्ट मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसको गैस पे चढ़ा लिया है। फिर मैंने 1 गिलास इसमें तेल डाला है, सरसों का तेल। उसमें ये बाकी सब चीज़ें डालनी हैं, जिसकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको इसमें डाल तेल में डालने के बाद देन आपको इसको 15 से 20 मिनट तक कलछुल से हिलाते हुए पकाना है, ठीक है? और तेज आंच पे नहीं, एकदम मीडियम लो आंच पे आपको इसको पकाना है 15 मिनट तक। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जब तक ये पूरा जल नहीं जाए आपको तब तक इसको पकाते रहना है। करीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पूरा जलने में। और ये ना आप बच्चों को लगाओगे उनके चेस्ट पे, उनके पैर के तलवों पे, हाथ के तलवों पे, तो इससे क्या है, इनको कफ नहीं जमा होगा, इनको सर्दी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा तेल है, मैं अपने बेबी को स्टार्टिंग से यही तेल यूज़ कर रही हूँ और ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए तेल ये पकने के बाद का है, एकदम ये रेड तेल हो गया है। इसको हम लोग कम से कम 15 मिनट तक पकाएंगे धीरे आँच पे, जब तक सारे मसाले जल ना जाए एकदम से, तब तक इसको पकाना है। देखिए एकदम पक चुका है, एकदम अच्छा देखने में भी लग रहा है। ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए इसको। ठंडा होने के बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद तेल को अलग निकाल के रख दीजिए, और जो आपने जो चीज़ को छान के रखा है, जिसमें अजवाइन, लहसुन, दालचीनी वगैरह है, उसको अलग निकाल के रख लीजिए। जो आपने अजवाइन, लहसुन, दालचीनी को निकाला है, उसको आप बच्चों के पैर के तलवों पे, बच्चों के हाथ की हथेली पे मालिश कीजिए। देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इससे क्या है, बच्चों को गर्मी रहेगी और इनको ठंडी वगैरह, सर्दी वगैरह नहीं पकड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच। मेरे बाबू को तो ये तेल बहुत ही सूट करता है, आप भी अपने बच्चों को ये तेल लगाइए। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।